Everybody fucking jump. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हैं कि GTA San Andreas एक बहुत ही पॉपुलर गेम है कंप्यूटर पे, तो हर कोई चाहता है कि वो अपने मोबाइल में खेले और हर किसी की दिली ख्वाहिश होती है जो कि GTA San Andreas है 4GB की है। अगर 4GB को समझा जाए तो वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो आज की इस वीडियो में आपको San Andreas को सिर्फ 1 या 1.5GB में दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है शुरू से लास्ट तक, इसको स्किप मत कीजिएगा। फिर आपको अगर समझ जाए तो फिर जाहिर सी बात है आपने मुझे गालियाँ देनी है, क्योंकि सारी वीडियो देखेगा बेटर रहेगा। तो जो ये दो फाइलें हैं इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करना है। एक तो उसका डाटा है और एक इसकी APK है, एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले आपने इसको एप्लीकेशन पर इंस्टॉल कर लेना है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुकी है गेम। ये APK इंस्टॉल करने के बाद जो आपके सामने डाटा नज़र आ रहा है com.rockstargames का, आपने इसको मूव कर लें या कॉपी कर लें आप पे डिपेंड करता है। आपने इसको जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है मोबाइल की, उसके जो एंड्रॉयड फोल्डर है, एंड्रॉयड फोल्डर आपने ओपन कर लेना है। एंड्रॉयड फोल्डर ओपन करने के बाद जो डाटा फोल्डर होता है पहले पे, आपने इसको ओपन करके उधर पेस्ट कर देना है बाहर ही।